पाकिस्तान ने बड़ी विकेट गिराने का इशारा दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं पीटीआई सुनामी प्लस बनने वाली है, बड़ी विकेट गिरने वाली है इसलिए इस्लामाबाद जा रहा हूं। सिक्योरिटी खदशात के बायस इमरान खान ने लाहौर में सियासी सरगर्मियां मंसूख कर दी। कप्तान दाता दरबार हाजिरी पर पहुंचे और उसके बाद इस्लामाबाद चले गए। नैब कानून को खत्म ना करना बहुत बड़ी गलती थी, नैब मार्शल लॉ का कानून था, आज तक करप्शन की कोई चीज साबित ना हुई, इस मामले को अब खत्म होना चाहिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के वज़राए आला वफाक से नाराज, तीनों वज़राए आला का कौमी इक्तिसादी कौंसिल इजलास से वॉकआउट। वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खट्टक कहते हैं हमारी तजावीज को नहीं माना गया, वफाक तरक्याती बजट में मर्जी के मंसूबे शामिल कर रहा है। मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत गैर आइनी काम कर रही है, इजलास में कुछ लोगों ने कहा कि आपकी मंजूरी की जरूरत है। मुल्क की पहली आबी पॉलिसी और पाकिस्तान वाटर चार्टर की मुत्तफिका मंजूरी, वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफदात कौंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला वफाक और सूबाई वज़रा के साथ साथ सीनियर हुकाम की शिरकत। कोयटा में अम दुश्मनों का बुजदिलाना वार, तीन खुदकुश धमाके, ISPR के मुताबिक एयरपोर्ट रोड पर दहशतगर्दों ने पुलिस वैन को निशाना बनाया, दहशतगर्द हमले में 5 पुलिस अहलकार शहीद और 7 जख्मी हो गए। मियां गुंडी में मगरबी बाईपास के करीब 2 खुदकुश बमबारों को फोर्सेस ने हलाक किया, दहशतगर्द FC के चेक पोस्ट को निशाना बनाना चाहते थे, हमले में FC का जानी नुकसान नहीं हुआ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दौरा रूस, क्रेमलिन पैलेस आमद पर आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की रूसी फौज के कमांडर से मुलाकात, जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं पाकिस्तान इलाकाई रवाबित की मजबूती के लिए किरदार अदा करता रहेगा। रूसी कमांडर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियों को सराहा। अली जफर का हिरासत करने के इल्जामात पर मीशा शफी को कानूनी नोटिस, मीशा बेबुनियाद इल्जामात पर 2 हफ्तों में माफी मांगे वरना 10 करोड़ रुपए हर जाने का दावा दायर किया जाएगा। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकें, मगरबी बंगाल में फोर्सेज और तहरीकों में झड़पें, 37 अफराद हलाक। और ईरानी सदर हसन रूहानी को अमरीका को वार्निंग, एटमी मुआहदे की पासदारी न करने पर संगीन नतायज की धमकी, उधर फ्रांसीसी सदर ने ट्रंप को मुआहदे से पीछे ना हटने का मशवरा दे दिया।